बेंगलुरु में हुई मीटिंग के बाद विपक्षी एकता की कवायद को एक गठबंधन की शक्ल मिल गई है और ये महागठबंधन यूपीए नहीं बल्कि इंडिया कहलाएगा। इस पर मोहर खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, साथ ही अगली मीटिंग महाराष्ट्र में होने का ऐलान कर दिया है। विपक्षी दलों के इस महामोर्चे में तमाम बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेता मौजूद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मेजबानी में नया विपक्षी मोर्चा बन गया है। 18 जुलाई यानी कि आज बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक के दौरान गठबंधन के नाम पर मुहर लग गई। अब तक समझा जा रहा था कि विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए ही रह सकता है। हालांकि दोपहर होते होते ये साफ हो गया कि एनडीए के सामने अगले चुनाव में इंडिया लड़ेगा। जी हाँ, आई से इंडिया, एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस होगा। इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इस विपक्षी मोर्चे का नाम है। इंडिया नाम रखने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं के धड़ाधड़ आ रहे चक दे इंडिया वाले ट्वीट से साफ हो गया है कि विपक्ष ने कौन सा दाव चला है। अब चुनाव में बार बार इंडिया नाम सुना जाएगा, जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होगा। दरअसल बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए राष्ट्रवाद की काफी बातें करता रहा है। समझा जा रहा है कि एक नया मोमेंटम पैदा करने और मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ माहौल पैदा करने के लिए काफी सोच समझ कर ये नाम चुना गया है। इतना ही नहीं, सूत्रों से तो ये भी पता चला है कि विपक्ष की एकजुटता इंडिया कहलाएगी, ये राहुल गांधी के दिमाग की उपज है। राहुल गांधी ने विपक्षी मोर्चे का नाम इंडिया रखने की पेशकश की थी, जिसके बाद सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया और आज से विपक्षी पार्टियां एक साथ इंडिया बनकर बीजेपी की एनडीए के खिलाफ मुकाबला लड़ेंगी, जिस पर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि इंडिया की जीत होगी। कांग्रेस ने तो नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साध दिया। मोदी की फोटो के पीछे भीड़ दिखाकर लिखा एक अकेला। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर कहा तो इस बार 2024 होगा टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए, चक दे इंडिया। नाम बदलने के पीछे एक सोच ये भी हो सकती है कि यूपीए मोर्चे से काफी कुछ संकेत 2004 और 2009 जैसे मिलते हैं। विपक्षी दल चाहते हैं कि एनडीए के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू हो। हो सकता है कि कांग्रेस पर मोर्चे का नाम बदलने का दबाव भी रहा हो। यूपीए की अगुआ कांग्रेस थी और इस बार शायद तमाम विपक्षी दल अभी किसी को अगुआ मानने के मूड में न हो। उधर राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा। ट्वीट में कहा, विपक्षी दलों का गठबंधन भारत का प्रतिबिंब है, अब बीजेपी को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी। हालांकि कुछ देर बाद ही पार्टी का ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया। सोशल मीडिया पर इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है। समझा तो ये भी जा रहा है कि अब बीजेपी को इस अलायंस पर सीधे तौर पर हमला करने में भी परेशानी होगी। कैसे बीजेपी इंडिया नाम वाले इस अलायंस पर सीधे हमला बोल पाएगी? शायद यही सारे तमाम कारण है कि जिस वजह से बड़ी ही सूझबूझ से इंडिया नाम को विपक्ष ने चुना है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।